दिल को हारा जान के कहें एमक्यूएम से कोई ज्यादती हुई है, बखुदा ये बात है, बखुदा ये बात हुई है। है? नहीं, मैं नहीं ये समझता, बखुदा मैं ये बात कहता हूँ आपसे ईमान से, मैं एमक्यूएम को सिंध का हिस्सा समझता हूँ, मैं एमक्यूएम के लोगों को सिंध की से वाबस्ता सियासतदान समझता हूँ, मैं समझता हूँ उर्दू बोलने वाले सिंध का हिस्सा हैं, इनको अलग शनाख्त की बात करना उर्दू वालों से दुश्मनी है, मेरा ये ईमान है। दूसरी बात, ये जो मुसीबतें इन पर आप जो कह रहे हैं कि लापता हुए हैं मुकाबले, ये सिर्फ हमारी हुकूमत तो नहीं है, ये तो कराची का शहर ऑपरेशन के अंदर है, ऑपरेशन के तहत चल रहा है, इसमें कंट्रोल सिर्फ सिंध हुकूमत का तो नहीं है, औरों का भी। लेकिन आप देखें, हम चिल्ला रहे थे निजामी साहब, अब एक जुमला है, हम चिल्ला रहे थे ऑपरेशन पर, जनाब ऐसे जल्दी ना करो जी, फौज आ जाए जी ऑपरेशन, बाबा आप भी सबसे ज्यादा आप परेशान हो जाओगे, हमें पता था कराची के हालात का। नहीं, अब जब लेकिन एमक्यूएम ने जब खुद हुकूमत में थे तो क्या किया? यहाँ जो कुछ हुआ 2007-12 मई को या और आप क्या कह वाकयात रहे हैं, में, क्या बता माफिया और क्या क्या यहाँ पे आइडल, लूटमार हुई? क्या आइडल और हुकूमत है, ऐसा कत्लेआम कभी हुआ ही नहीं जो मुशर्रफ का जमाने में एमक्यूएम के साथ के तावुल के साथ हुआ, जो मुशर्रफ मुक्के लहरा रहा था, इतना कत्लेआम तो कराची में कभी नहीं हुआ। लेकिन वो फख्र करते रहे, हम पर तनकीद करते रहे, हमने कहा यह अमन अमान का मसला नहीं है, यह अमन अमान का बोहरान है जो सालों से इस शहर में पैदा किया गया है, चू चू का मुरब्बा इस शहर में रहता है, शहर के ऐसे लोग तो नहीं है यहाँ। लेकिन मैं कहता हूँ अब ऑपरेशन के अंदर शहर है, अब आप इसकी जिम्मेदारी सियासत से सियासी करके सिर्फ हमें नहीं बना सकते, एक दूसरा इदारा है जो इस मुल्क में है, वो उसका हिस्सा है ऑपरेशन का, ऑपरेशन में कार्रवाइयां कर रहा है, और मैं मान रहा हूं हमें जिम्मेदार दो या कैप्टन कैप्टन तस्लीम करो या नहीं करो, पर रेंजर और सिंध पुलिस की कारकर्दगी से कराची में अमन अमान कायम हुआ है, कराची की रौनकें बहाल हुई है, कराची की कारोबारी सरगर्मियां शुरू हुई है। अब आप नाराज हैं तो भले हो जाए, लोग खुश हैं, लोग मुतमिन लेकिन हैं। चंडियो साहब,